हे, क्या पढ़ाई करके थक चुके हो? अरे यार, पढ़ाई तो कुछ होता नहीं है हमसे। मैं जब भी मैथ्स करने जाता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे करूँ। जब भी साइंस करने जाता हूँ तो न्यूमेरिकल्स आ जाता है। केमिस्ट्री करने जाता हूँ भाई, उसको तो क्वेश्चन आंसर, उसके तो आयोनिक बॉन्ड, ये सब ही नहीं समझ में आते। और अगर मैथ्स और फिजिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब देखने जाता हूँ, इनके क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। यार, पढ़ाई करने बैठे तो मेरा मन भी नहीं करता। यार, क्या करूँ मैं? देखो, आप अपने मन में यही सब डालते रहते हो, क्या पढ़ाई बहुत हार्ड है, पढ़ाई मुझसे होता नहीं, और इसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। मैं बोलूँ तो मेरे मार्क्स कभी कम नहीं आते, और मेरे मार्क्स एवरेज पे भी बिल्कुल नहीं आते हैं। मेरे मार्क्स एवरेज से ज्यादा है, मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो मैं भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप पढ़ाई किसी एक चीज समझ लो, मतलब आज का जो ट्रिक है ना, वो जो मैं बताने वाला आपको, अगर आपने उसको फॉलो किया तो कसम से बोल रहा हूँ यार, पढ़ाई आपके पीछे ना पागल कुत्ते की तरह भागेगा। जैसे कुत्ता भागता है ना आपके पीछे, और आप बहुत तेज भागते रहते हो, आप क्या सोचते हो कि जा जा भाई कुत्ता जा जा ना, लेकिन देखना पढ़ाई आपके पीछे एकदम ऐसे भागेगा, कुत्ते की तरह भागेगा। लेकिन आप मत सोचना कि जा जा, ये तो एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। मजाक था, ठीक है, सीरियसली मत लेना, बहुत गंदा वाला मजाक था। तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एकदम क्लियरली पढ़ोगे और आपके मार्क्स बढ़ा लोगे। देखो, एक ट्रिक है, एक ऐसा ट्रिक है जो सही में काम करेगा, और मैं बताऊंगा क्यों ये काम करता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यार, आप लोग लाइक तो करते हो, यार व्यू भी आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। यार, पढ़ाई से मतलब रखो ना, और चैनल से भी मतलब रखो, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ एजुकेशनल से नहीं आएगा रिलेटेड वीडियो। इस चैनल पे आपको पता है किससे मिलेगा? आपके लाइफ से रिलेटेड मिलेगा भाई। अगर आपको लाइफ में अपने गोल्स को पाना है ना, तो इस चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे हाथ में है, और भी कोई चैनल है, पकड़ लो जाओ उसको, ठीक है। चलो, वीडियो आज के स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह, और स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड चैनल में। चलिए यार, वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो, पढ़ाई पढ़ाई ये शब्द जब आप मुंह से बोलते हो ना, तो आपके मन में एक फोटो बनता है। कौन सा फोटो बनता है? बुक्स का, लंबी बुर्ज खलीफा वाली बुक्स का, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ाई को क्या बोलना है। पढ़ाई अगर पूछे कि भाई ये पढ़ाई होता क्या है यार, तो बस एक चीज बताओ कि पढ़ाई एक खेल है। सीरियसली, खेल है? हाँ यार, एक खेल ही है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपके दोस्त खेलने के लिए आपको बुलाते हैं, ए भाई चल खेलने के लिए चलते हैं, रमेश चल क्रिकेट लेके आ, चल मतलब क्रिकेट लेके आ मतलब बैट बॉल लेके आ, यार समझ जाओगे ना। हाँ, तब तुरंत भागे भागे आते हुए, चल 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 आज तो 2 6 4 6 मार के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चल। तब तुरंत जाते हो खेलने के लिए, बहुत ही इंजॉयबल खेलते हो, मतलब बहुत अच्छे से खेलते हो, इंटरेस्ट ले लेके खेलते हो, है ना, छक्के चौके ये सब मारते रहते हो बराबर, आपको मजा भी आता है खेलने के लिए। लेकिन यही बात अगर मैं पढ़ाई पे कर दूं तो भाई पूरी जिंदगी ही नर्क। हट, ये पढ़ाई जिसने माना है ना, ऐसा ही आपके मन में आता है ना। तो देखना, इस वीडियो में आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको पढ़ाई को एक खेल ही समझना यार। हाँ, जैसे हम खेल खेल हमारे माइंड में क्या आता है, जैसे मैं पूछूं कि यार ये खेलना होता क्या है, आपके माइंड में कौन सा इमेज बनेगा? एक लड़का या एक लड़की खेल रहे होते हैं, या हम खेल रहे होते हैं, ऐसा कोई इमेज बनेगा, है ना, ठीक है। आपको पढ़ाई को खेल समझना है, आपको समझने की पढ़ाई एक खेल है। और देखना, आपको आपको लग रहा है ऐसा कि भाई कुछ काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, करके देख लो, नहीं किया तो वापस इस वीडियो पे आओ और कमेंट में जो भरना है वो भर दो, ठीक है। जो भी मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, आपको क्या भरना है इसके अंदर। अगर काम नहीं किया तो वहाँ जो भरना है भर दो, ठीक है। अगर काम किया है ना तो ये देखना, सब्सक्राइब करना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तुम्हारी। अरे अच्छा वीडियो बनाया तो सब्सक्राइब तो करोगे ना यार, ठीक है। अब आपको खेल समझ के पढ़ाई करना है। अगर जिस दिन आपका मैच रहेगा ना, उस दिन आप समझ लो भाई आज मैच है, आज पता है किसका है, अपोजिट टीम वाले हमें चैलेंज कर रहे क्रिकेट के लिए, भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप मैच को क्रिकेट ही समझो, क्या समझो, जब थ्योरम आएंगे, जब कोई ट्रायंगल आपको पूछेगा भाई ये बता कि मेरे तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, भाई ये बता ये पैरेलल लाइन से, अगर कोई थ्योरम ऐसा आ गया प्रूफ करके दिखाने रहता है, पता है ना आपको। हाँ, तो वैसे ये समझो कि भाई इसने प्रूफ करके दिखाया, मतलब हमें बोल रहा है कि हमने इतना रन बनाया है, तुमसे इतना रन बनाना है, मतलब अगर मैं हम लोग ने 70 रन बनाए हैं तो तुम्हें 71 बनाना पड़ेगा, तभी तुम मैच को जीतोगे। और देखो, मैच को जीतने के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, वैसे ही जब आप ऐसे जीतने के लिए बहुत मेहनत करोगे ना, तो आपका माइंड भी आपका साथ देगा। हाँ, एकदम यकीन मानो, ये बहुत ही यूजफुल है यार, इतना वर्क करेगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। और ये बात क्वेश्चन आंसर लर्न करने के ना,
चलो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को ले लेते हैं, कोई भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर क्यों ना, किसी भी लेसन का क्यों नहीं हो, ठीक है। आपको कैसा लर्न करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लो 10 पॉइंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आया 10, एक क्वेश्चन तो एक ही पॉइंट का है, उसके आंसर 10 पॉइंट के है ना, उसको लर्न करना है। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा लर्न, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा ना, पॉजिटिव थोड़ी चेंज हो जाएगा है ना। तो मैं बताता आपको क्या सोचना है। आप सोच लो कि आपका दोस्त आपको बोल रहा है भाई तू इस गेम में मेरे से जीत नहीं सकता, ऐसे ही इमेजिन करो, कसम से एक दो दिन नहीं होगा, तीन दिन नहीं होगा, आप इमेजिन करें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा खिलाने के लिए, तो बराबर आपका इमेजिनेशन मिल जाता है ना। अभी और भी कुछ बोल सकता हूँ लेकिन रहने दो यार, आपको पूरा मानिएगा, लेकिन कैसे हम लोग उसके लिए भी इमेजिनेशन निकाल लेते हैं, ये सब के लिए आपको इमेजिनेशन आराम से निकालना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कैसे ऊपर का कहाँ कहाँ का इमेजिनेशन मिलता है, वैसे ही आपको क्या करने का, आपको यही सोचने का है कि आपका दोस्त आपको चैलेंज दे रहा है इस गेम में जीत के दिखाने के लिए। अभी कोई आपको चैलेंज दे, मैं भाई मेरे को आज तक जिसने भी चैलेंज दिया है ना मैं जीता है, मेरे को किसने भी कोई भी चैलेंज किया ना, चाहे बात हो पंजा लड़ाने की या क्रिकेट खेलने की या वॉलीबॉल, भाई मैं खेलता हूँ, हार जाओ तो भी चलेगा लेकिन मैं खेलता हूँ, कम से कम पीछे हटना नहीं है, आप ही पीछे बिल्कुल मत हटो, खेलो और जीत जाओगे देखना, मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको किसी ने चैलेंज किया है क्वेश्चन आंसर लर्न करने का, आप उसे समझो किसने हमें चैलेंज किया है, और देखो अगर चैलेंज करके हम कोई चीज करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें से हमारा देखो हमारा विल पावर भी स्ट्रांग रहता है, जिससे हमारा माइंड और बोलता है कि हाँ चल हम लोग कर सकते हैं, हमें करके दिखाना है, जिसके वजह से आपका क्वेश्चन आंसर आसानी से लर्न हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ भले एक दो दिन आप ट्राई करो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तीसरा चौथा दिन हो जाएगा, और इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आकर आप बोलेंगे भाई थैंक्स यार तूने मेरे बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, और मैं पता है रिप्लाई में क्या दूंगा, ब्रो ये तो मेरा काम था है ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर दो, 1000 बार बोल रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये वर्क करेगा क्योंकि मैं खुद ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो आज का वीडियो बस इतना ही, आपको मैंने बता दिया कि आपको पढ़ाई को एक खेल समझना है, ये खेल समझोगे ना तभी ये दुनिया चलेगी, ये दुनिया भी एक खेल ही है दोस्त, आज जीरो कल मर जाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ फर्क पड़े तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद चले जाएंगे, तो बस इंजॉय से खेलो इस दुनिया को। चलो चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही आने वाला है, और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, जैसे कि अभी मैं अपने लाइफ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या लेना चाहिए, साइंस कॉमर्स आर्ट, इसके ऊपर तो यार लाखों वीडियो, लेकिन मैं अच्छा सा प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, देखते रहिए नॉलेज वर्ल्ड और उसके बाकी सारे वीडियोज को।